क्योंकि ये नंबर वन बनने की कोशिश में उल्टे सीधे बयान देता है शिवराज चौहान, उल्टे सीधे निर्णय कराने की कोशिश करता है। अरे 13-14 साल की बच्ची की रक्षा तो शिवराज चौहान मध्य प्रदेश में तो कर नहीं पा रहा है। कल वो परसों 13-13 साल की दो बच्चियों के साथ गैंग रेप होता है, किसी महिला के साथ इतना अत्याचार होता है, निर्भया से भी भयानक अत्याचार यहाँ और सीधी में हुआ, जनक गुना में हुआ, और उल्टे वकालत कर रहे 21 साल। अरे भैया 18 साल की हो जाए शादी करके अपने ससुराल में जाके सुखी रहे। वो उन्होंने नहीं साहब, हम पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, 21 साल उम्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसका लॉजिक है? किसी डॉक्टर बोलते हैं 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है, ये बड़ा डॉक्टर हो गया। सज्जन सिंह वर्मा ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वह अपने नाम के विपरीत चले गए। इससे न केवल प्रदेश की बल्कि देश की बेटियों का अपमान हुआ। सज्जन सिंह वर्मा क्या भूल गए कि उनकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा स्वयं महिला है, गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी उनकी नेता स्वयं महिला है। मेरा अनुरोध है सोनिया गांधी जी से कि सज्जन सिंह वर्मा से सार्वजनिक माफी मंगवाएं और साथ ही उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं। सज्जन सिंह वर्मा ने इन शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी के और अपने संस्कारों को सामने रखा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।